प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में 2018-19 सत्र के लिए भरी जाने वाली बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर और बीवीएससी कोर्सों की सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। इसके लिए प्रदेश भर में कुल 8 स्थानों पर 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की 120 और वेटनरी कॉलेज में स्नातक स्तर की 60 सीटें भरी जानी है। इनमें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की 19 और बीवीएससी की 9 सीटें नीट परीक्षा के आधार पर भरी जाएंगी। जानकारी के अनुसार प्रदेश भर में 14,000 बच्चों ने परीक्षा दी है। परीक्षा का परिणाम इसी महीने आने की संभावना है और 1 अगस्त से नए सत्र की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। परीक्षा देने वाले बच्चों ने बताया कि पेपर आसान था और काफी संख्या में बच्चे परीक्षा उत्तीर्ण करने की बात कर रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अशोक कुमार सरयाल ने बताया कि कृषि व वेटनरी शिक्षा को लेकर बच्चों में रुझान बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय पालमपुर की वर्ष 2018-19 के एकेडमिक सेशन के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया है, जिसमें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर प्रोग्राम में 120 सीट्स में 101 सीट्स के लिए और वेटनरी बीवीएससी प्रोग्राम में 60 सीटों में से 51 सीटों के लिए, यानी कि कुल 152 सीट्स के लिए लगभग इस वर्ष 17,246 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसमें से 14,674 विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड इशू किए गए और उसमें से जो आज के हमारे जो विभिन्न परीक्षा केंद्रों में से जो उपस्थिति का हमारा आंकड़ा आया है, लगभग 95 से 96% विद्यार्थियों की उपस्थिति रही है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 8 जिलों में परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, ताकि विद्यार्थी अपने गृह जिला में ही नज़दीक में अपनी प्रवेश परीक्षा दे सकें। और इस प्रवेश परीक्षा में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एवं बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री प्रोग्राम के लिए 4 स्ट्रीम्स, जिसमें बीएससी प्लस टू बायोलॉजी, प्लस टू के साथ नॉन मेडिकल, एग्रीकल्चर एवं बायोटेक्नोलॉजी, ये जो विषय रहे हैं ये बीएससी एग्रीकल्चर प्रोग्राम के लिए ऑप्शनल थे, जिसमें इनमें से किसी 3 विषयों में प्रशिक्षार्थियों के लिए परीक्षा में अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। बीवीएससी प्रोग्राम में प्लस टू साइंस स्ट्रीम के बायोलॉजी के विद्यार्थी इस परीक्षा में अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। आज की इतनी भारी संख्या में विद्यार्थियों की उपस्थिति पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4,000 अधिक है, ये दर्शाता है कि बीवीएससी और बीएससी एग्रीकल्चर में जो इंटरप्राइजेस, इंटरप्रेन्योर्स, प्लेसमेंट और कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में पढ़ाई की जो गुणवत्ता का विस्तार हुआ है और प्रचार हुआ है विभिन्न माध्यम से, जैसे विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणाम अखिल भारतीय स्तर पर, पिछले वर्ष अखिल भारतीय लेवल की जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप का परिणाम आया था, हमारे विद्यार्थियों लगभग 93% पास परसेंटेज रही थी।
इसी के साथ। मेरा नाम प्रिया है और मैं कांगड़ा नगरोटा बगवा से आई हूँ और मैंने एग्ज़ाम दिया है। अच्छा था एग्ज़ाम, इजी था, स्कोप ठीक है, अच्छी लाइन है मेरे लिए, तो मुझे तो अच्छा लगता है। मेरा तो पहला प्रेफरेंस यही था एग्रीकल्चर का, मैं यही करना चाहती थी और मेरे पेरेंट्स भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इस बात पे। पालमपुर से हूँ और पेपर इजी था और शायद वेटनरी में मतलब हो जाए। इस चैनल के लिए धर्मशाला से निप्पे बादल की रिपोर्ट।